तो देखो हम सबको पता है कि ना बोट के हेडफोन्स वारंटी के साथ आते हैं तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि उस बोट के हेडफोन्स का वारंटी कैसे क्लेम करते हैं और मैंने कैसे किया था क्योंकि मैंने जो है डोर टू डोर स्टेप का अप्लाई किया था मतलब कि मेरे जो एक हेडफोन खराब हो गए थे वो मेरे को घर पे पिकअप करने आए हेडफोन है है हेडफोन लेके गए और हेडफोन ठीक करके वापस ले गए इसको डोर तो टू डोर पिकअप बोलते हैं तो सबसे पहले ये प्रोसेस को मैं बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रोसेस को सबसे पहले आप लोगों को लगेगा आप लोगों को ना अमेजन की वेबसाइट पर जैसे मैंने अमेजोन से खरीदा था तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को इसका इन्वाइस निकालना पड़ेगा इन वॉयस अब भी लेके यहाँ पे देखो वॉरंटी

तो इसीलिए सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है कि बोर्ड वारंटी क्लेम ऐसा सर्च करना है वहाँ पर आ, वहाँ पर जो सर्च रिजल्ट आएंगे उसके बेस उ, उसके बेस के ऊपर सबसे पहला जो अपना लिंक है और रजिस्टर का कंप्लेंट उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना सिंपली हम लोगों यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता मेरे वायर है मेरे वायर्ड हेडफोन्स है तो मैं वायर्ड हेडफोन्स किया मैंने प्रोडक्ट अपने को स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिखना है जैसे मेरे बोट के 132 थर्टी uh, है सिल्वर में तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन थर्टी टू डालूंगा वहाँ पे सिल्वर है आई एल सी बचपन से <laughs> और यहाँ पर पिन कोड डालना अपना और सिलेक्ट कर देना सिलेक्ट करने के बाद देखो आपके आसपास के सर्विस सेंटर्स का ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दे देगा यहाँ पर मैं जो है डोर टू डोर स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंटला आता है नीचे सर्विस सेंटर में जाने का तो डोर टू डोर स्टेप वेरीफिकेशन पर मैं क्लिक करूँगा वेरीफिकेशन नहीं ये क्या है रजिस्टर फॉर डोर टू डोर सर्विस सॉरी डोर टू डोर सर्विस <laughs> और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये फॉर्म भर देना है पढ़े लिखे हो मैं ज़्यादा इसमें पढ़ूंगा नहीं मैं और ये फॉर्म भर देने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ये फॉर्म कैसे भरना है आपका फॉर्म आपकी मर्जी कैसे भरना है मैं को तो बताया ना तो ये पूरा फॉर्म वॉर्म भर देना और उसके बाद ना आप लोगों को आ, दो, दो चेकबॉक्स मिलेंगे एक इंसान का टर्म्स एंड कंडीशन वाला और रोबोट वाला वो दो को टिक करना और देखो नीचे सबमिट का बटन है ग्रीन कलर का तो अभी ना आ, मैं आप लोगों को बत, आ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पर्सनली कितना टाइम लगता है क्योंकि मैंने प्रोसेस लॉकडाउन में किया था आ, कुछ डेट का अपना सितंबर 15 सितंबर को मैंने पूरा प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा जो है लॉकडाउन की वजह से ना एक कान का साइड बंद हो गया था जैसे हम सबका होता है कि एक कान का साइड बंद मेरा इसलिए बंद हुआ था क्योंकि मोबाइल को नीचे जो हम लोग एक तो इसका एल शेप नहीं है इसका बोट वन थर्टी टू का तो मैं वहां पर लगा था और जैसे रख देता था मोबाइल तो ऐसा पूरा बैंड हो जाता था और तो फिर उसके बाद एक दिन वो बंद हो गया <laughs> तो आप लोग ना यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखो ये आ, मेरा जनरली पूरा टिकट स्टेटस है यहाँ पर इतने सारे दिनों बाद ऑलमोस्ट एक महीना लगा ऑलमोस्ट ये ट्वेंटी फोर डेज बिजनेस डेज बोलते थे लेकिन मुझे तो ऑलमोस्ट एक महीना लगा एक महीने में, में, में मेरे को मेरे बोट के हेडफोन्स जो है मेरे को नीचे लेके जाने पड़े थे वो आदमी आया उसने कॉल किया मेरे को कि मैं नीचे बिल्डिंग के तरफ नीचे लेके अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद वो घर पर आ जाते थे मैं उसको नीचे लेके गया उसको दिया उसने मेरे को एक इन जॉब शीट दिया कि मैंने उसने मेरा हेडफोन्स लेके गया इस बात का प्रमाण पत्र <laughs> वो प्रमाण पत्र मैं संभाल के रखा और जब मुझे हेडफोन्स वापस लेने थे तो मुझे वो उसको वापस देना था और हेडफोन्स उससे ले लिया हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हेडफोन्स वहाँ पर लेके आ जाएगा कि आपको नए मिल रहे हैं या ठीक करके मिल रहे हैं मुझे तो नए मिल गए तो थे लेकिन ये देखो अनबॉक्सिंग देखो मेरे को लगा था नया बॉक्स आएगा नया कुछ अच्छा फील आएगा लेकिन नहीं अपने साथ कुछ अलग ही हो जाए तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो कि नए हेडफोन्स किस तरह से आए थे ये देखो ये हेडफोन का मेरे को बोट का एक पैकेज आया था ऐसे थैली में पैक था सिक्योर था ऐसा बॉक्स था उसका अभी हम लोग इसको काट के निकालते इसके अंदर से हेडफोन काटा और इसके अंदर से मैंने जब हेडफोन निकाला ना तो वो अपने जिप 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 का का जो रैपर होता है है ना जिप रैप का, <laughs> उसके अंदर अंदर थे यार क्या <laughs> लेकिन ठीक और इसके अंदर एक, एक एक्स्ट्रा ईयर्स बर्ड भी नहीं थे और यहाँ पर टेली के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को प्रॉपर इसका बॉक्स के साथ चाहिए हेडफोन तो ये एनवायरनमेंट सेव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया ऐसा उनका कहना है टेली के फर्स्ट पेज पे था लेकिन ठीक है हम हेम रोड भी थोड़ा साथ देते हैं ना अभी इसमें ठीक है चल जाएगा एडजस्ट कर लेंगे एक दो बार और यहाँ पर फिर देखो कि यहाँ पर अपने ये बस न्यू था सबसे मैंने ये कंफर्म किया कि नया भेजा है कि वही अपने को भेजा है एक तो मैं था नहीं वहाँ पे चेक करने के लिए तो मैंने ये लिया और इसका और इसको अंदर सबसे पहले आप लोग देख सकते मेरे को नया दिख रहा है पूरी तरह से तो ये नया ही है और आ, इसके बाद ऐसी थी ये करके मेरी पूरी प्रोसेस थी ऐसे नया हेडफोन्स मिलने के बाद आ, मैंने उसको थोड़ा यूज़ किया फिर से रख दिया क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था इससे कान में ज़्यादा दर्द दे जाता दिन भर तो मैंने और नए हेडफोन्स ले लिए इस आ, सोच में कि इससे दर्द नहीं होगा और जितने भी कान में दर्द देने वाले से मेरे तो को कान से घुसने लगेगा मेरे को दर्द देते तो मेरे को पता ना वारंटी क्लेम आप लोगों को हेल्प कर जाए कि नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि वारंटी क्लेम कैसे गलते है डोर टू डोर स्टेप डोर टू डोर सर्विस स्टेप में डोर टू डोर सर्विस ऑलरेडी कैसे क्लेम करते हैं मैंने ऐसे क्लेम किया था मेरे को इतने सर्विस एक महीना लगा था एक्सपीरियंस अच्छा था कुछ प्रॉब्लम नहीं था खाली मैसेज पर जो कभी बीच बीच में मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट कभी कहाँ तक पहुँचा है आपका प्रोसेस कितना कम्प्लीट हुआ है बस इतना ही था पूरे इसमें और बिल्कुल तो अच्छा लगा अगर तुम लोगों को मेरा एक दोस्त है यार। <laughs> वो कंटा लगता था सर्विस सेंटर जाने का मैंने उसको ये बताया फिर भी नहीं करें अभी ठीक है तो मैंने वीडियो बना दो तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक बाय